और लिमिटलेस, राइट, जिसके वजह से यहाँ पे हम जो कुछ कुछ चीजों के बारे में देखेंगे, सबसे पहले जो चीजें रहेंगी कि हाउ टू बी फियरलेस, हम किस तरह से अपने आप को, अपना जो डर है उसको हम हटा सकते हैं, हम कैसे फियरलेस बन सकते हैं। सो फियरलेस बनने के लिए हम पहले जानेंगे कि फियर होता क्या है, डर होता क्या है, राइट। डर जो है एक नेगेटिव इमोशन, हम लोग बोल सकते हैं कि वह एक नेगेटिव इमोशन है जो कि हम लोग को हमेशा आते रहते हैं। समटाइम्स हम लोग बहुत ज्यादा एक चीज में बहुत स्टक रहते हैं, मतलब जुड़े हुए रहते हैं कि हमें ये करना है या नहीं करना है, आइदर और में हम हमेशा फंसे रह जाते हैं। लेकिन हमें इसमें बहुत ही अच्छे से इसका सोल्यूशन जानना जरूरी है, क्योंकि अगर हम इसमें फंसे ही रह जाएंगे तो हमारा सक्सेस जर्नी जो है वो वहीं पे ही स्टॉप हो जाएगा, वो बढ़ेगा भी नहीं। डर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, एक होता है साइकोलॉजिकल फियर, साइकोलॉजिकल डर होता है, और एक होता है फिजिकल फियर, राइट। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग यहाँ पे, प्लीज बी अटेंटिव, आप लोग जितना ज्यादा चैट बॉक्स का यूज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, राइट। हम लोग बोलते हैं साइकोलॉजिकल फियर जो होता है वो रहता है कि जो हम सोचते हैं, हम सोचते हैं कुछ भी चीज करने के पहले कि अगर हम ये करते हैं, अगर हम ये इस तरह से हम अपने काम को करते हैं तो पता नहीं क्या होगा, हम सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, बहुत कुछ हम सोचते रहते हैं। अगर हम इधर जाते हैं तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, मतलब हम करने से पहले जो चीजों को सोचते हैं बहुत ही ज्यादा, अब किया भी नहीं है हमने उसके ऊपर, कुछ भी एक्शन नहीं किया है लेकिन हम बहुत सोच रहे हैं, राइट। तो ये कौन सा फियर है, क्योंकि हमने बोला था जस्ट अभी अभी हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया, जो चीजें हम सोचते हैं कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा वो सारी चीजें साइकोलॉजिकल है, हम सिर्फ सोच रहे हैं उसको। तो ये सारी जो चीजें रहेंगी वो किस बेसिस पे आती हैं, डेफिनेटली ये जो हमारी जो थिंकिंग है ये साइकोलॉजिकल फीलिंग पे आती है, मतलब ये जो हमारे साइकोलॉजिकल फियर है, हम सोच रहे हैं कि अगर हम ये करने के लिए जाएंगे, अगर हम मार्केट में जाएंगे कुछ प्रोडक्ट के लिए, या फिर अगर हम सेल करने के लिए जाएंगे, अगर किसी ने वो प्रोडक्ट लिया ही नहीं तो। ये सारी चीजें हमारा सिर्फ एक इमोशन है, हम सिर्फ नेगेटिव सोच रहे हैं, साइकोलॉजिकल थिंग है, राइट। अब हम यहाँ पे देखेंगे फिजिकल फियर, फिजिकल फियर जो है वो सिंपल तरीके से बोले कि अगर हम कहीं रास्ते में जा रहे हैं या फिर जो भी है तो वहां पे कुछ अगर हमारे साथ कुछ ऐसा बुरा हो गया या नेगेटिव हो गया तो हो सकता है, राइट। सो फिजिकल फियर जो रहता है ये थोड़ा बहुत हल्का सा रहना भी चाहिए। इस वजह से एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि अगर किसी को कोई स्विमिंग नहीं आती है, तैरना नहीं आता है, लेकिन वो बोलेंगे कि नहीं वो फट से जाके मतलब पूल में चले जाएंगे या फिर नदी में चले जाएंगे, तो ये सारी जो चीजें हैं तब तो फिर खराब रहना ही रहना है, क्योंकि हम पहले से प्रिपेयर नहीं रहे, हमने पहले से प्रिपरेशन कुछ की नहीं है, हमने कुछ सीखा नहीं है। सो वो होता है फिजिकल फियर, हमें पता रहता है कि हमें सही से गाड़ी चलाना है, अपना ध्यान इधर उधर नहीं करना है, या फिर अगर मान लीजिए किसी को ड्राइविंग नहीं आती है लेकिन वो ड्राइविंग कर रहे हैं, ऑब्वियसली हो सकता है कुछ भी बुरा हो सकता है। सो ये फिजिकल फियर है जो हम लोगों में आती है, तो क्यों ना हम उसको करेक्ट करके चले। ये जो फियर वर्ड जो है ना, ये नेगेटिव भी है, ये पॉजिटिव भी हम लोग बोल सकते हैं। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि हम कुछ करने से पहले ही बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं, और पॉजिटिव इसलिए बोलेंगे थोड़ा बहुत जो है जिसके वजह से हम पहले से उसके बारे में, जो फिजिकल फियर है उसके बारे में हम सोचने लग जाएंगे और उसको हम किस तरह से ठीक करें। हम अगर हमें स्विमिंग नहीं आती है, अगर हमें ड्राइविंग नहीं आती तो पहले हम सीखेंगे फिर उसके बाद करेंगे। अगर हमें ये चीज नहीं आता, हमें यहाँ पे डेमो दिखाने के लिए जाना है, हमें यहाँ पे बहुत ही अच्छे से प्लान दिखाने के लिए जाना है, जब खुद नहीं आता है तो हम प्लान कैसे दिखाएंगे, राइट। सो उसके लिए हमें पहले से प्रिपेयर्ड होने की जरूरत है, हम पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे जिसके वजह से वहां पे जो भी सिनारियो है हम बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते, अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं, राइट। सो ये जो साइकोलॉजिकल फियर है और ये जो फिजिकल फियर है, हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको हैंडल कर सकते हैं, और इनके साथ साथ ये जो इधर और है
जो हम हमेशा इसमें स्टक रहते हैं, बस इसको हमें दूर करने की बहुत ही अच्छे से जरूरत है। इनके साथ साथ मोस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू चूज द थिंग कि हमें ये करना है या नहीं करना है, राइट, टू डू और नॉट टू डू, हमें करना है या नहीं करना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे नेटवर्क मार्केटिंग हमें करना है या नहीं, ये जो नहीं वर्ड जो बार बार हर जगह पे नो वर्ड आती है, विच शोज कि कितना ज्यादा नेगेटिविटी जो है वो कितना ज्यादा हमारे माइंड में आने लगे। जो ये साइकोलॉजिकल फियर है जिसके वजह से हमने इसके लिए कुछ तैयारी नहीं की हुई है, हमने इसके लिए कुछ प्लान नहीं किया है, कुछ एक्शन नहीं लिया है, बट देन ऑल्सो क्योंकि हमारे सिर्फ मन में है तो हम लोग काफी ज्यादा इसको लेके फियर होने लग गए हैं, राइट। सो जिसकी वजह से हमें इसको बहुत ही अच्छे से, ये जो फियर है इसको हटाने की जरूरत है अगर हम चाहते हैं कि अपने फियर को हम अपने लाइफ में सक्सेस कर सके, अपने लाइफ में अपने फियर को बहुत ही अच्छे से एलिमिनेट कर सके। बिकॉज फियर और फेथ जो होते हैं दोनों ही इमेजिनरी होते हैं एंड बोथ आर क्रिएटेड बाय यू। दोनों ही जो चीजें रहती हैं वो आपने खुद अपने सोच से क्रिएट की हुई होती हैं, ये कोई दूसरा पर्सन नहीं है कि हम मतलब कोई हमें बता रहा है ये से चीजें, बहुत कुछ ऐसा रहता है। ये सारी चीजें, डर भी हमने खुद ने क्रिएट की हुई है, फेथ भी, अगर हम पे हमें किसी चीजों पे भरोसा है तो हमारे माइंड, हमने अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि हाँ इस चीज पे भरोसा है इसलिए हम कर रहे हैं। डर हम इसलिए कर रहे हैं किसी भी चीजों को क्योंकि हमारे माइंड ने हमें ये इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि हाँ इस चीजों से हमें डर लग रहा है। ये दोनों ही चीजें जब हम ये बना हमने ही बनाया हुआ है, वॉट इफ लाइक आई सक्सीड, अगर हम सक्सीड हो गए तो ये सारी चीजें जो है ये लाइक हम बोलते हैं ना कि हमें इससे डर लग रहा है, अगर हम सक्सेस नहीं हो पाए तो ये जो वर्ड है नहीं हो पाए तो अंटिल मतलब ये वर्ड यूज करने से अच्छा है कि हम ये वर्ड यूज करें अगर हम ये सक्सेस हो गए तो। सो बी पॉजिटिव, जितना ज्यादा हम पॉजिटिव ट्रेट्स, पॉजिटिव वर्ड्स यूज करेंगे उतना ज्यादा हमारे लिए भी बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसके वजह से हर चीजें हमारे साथ फिर पॉजिटिव भी होने लग जाएंगी। इफ द कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर, अगर ये जो कॉन्सेप्ट जो है ये हमारा क्रिस्टल क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर है, देन यू कैन लाइक अर्ली चूज येस, आप बहुत ही अच्छे से येस चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा भी डर लगता है, डाउट लगता है, उसी टाइम हम नो को चूज कर लेते हैं और हमने इसके लिए ये सारी चीजें जो है इसके लिए हमने कुछ सोचा ही नहीं है, जस्ट हमने हल्का सा भी जो डर लग रहा है तो हमें ये करना ही नहीं है। टाइप्स ऑफ फियर, फियर के क्या क्या टाइप्स होते हैं। वी आर ओनली बॉर्न विथ टू फियर्स, द फियर ऑफ फॉलिंग, हमें गिरने का डर रहता है कि अगर हम ये करते हैं, अगर हम इसमें सक्सेस नहीं मिली, अगर हम गिर गए तो, हमें गिरने का बहुत ज्यादा डर रहता है। इंसल्ट बहुत ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा फिर वो इंसल्टिंग हो जाएगा। फियर ऑफ लाउड नॉइसेस, अगर हम अचानक से बहुत ज्यादा लाउड नॉइस सुनते हैं तो हमें बहुत ज्यादा डर लगने लग जाता है, ऐसे लगता है कि वो जो लाउड नॉइस है वो आपके ऊपर ओवरकम हो रहा है, मतलब वो आपके ऊपर बहुत ज्यादा हावी हो रहा है, राइट। इन सब चीजों से हम बचपन से ही बहुत ज्यादा डरने लग जाते हैं। द रेस्ट ऑफ फियर जो है वरी है, डाउट्स है, वी हैव टू लर्न ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ आवर लाइफ, पर्सनल एक्सपीरियंस से हमने इसको एक्सपीरियंस किया है, हमने कुछ लोगों से भी, हमने हम लोगों से जो सुनते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उनसे वो सारी चीजें हम ग्रैप करने लग जाते हैं, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी हम ग्रैप करने लग जाते हैं। और ये जो सारी जो चीजें है, डर है, डाउट है, ये जो साइकोलॉजिकल फियर है, सो इसको एलिमिनेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है करना अगर हम सक्सेस करना चाहते हैं, ठीक है। कभी कभी ये जो फियर है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि हम आगे आने वाले जो हमारे सिचुएशन है तो हम उसको हैंडल कर पाए, हम लोग उसको उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड हो पाए, प्लान कर पाए, ताकि ये जो डर है, ये डर हमारा, ये जो वर्ड हम यूज कर रहे हैं बार बार डर, इस डर को हम तब तक बेसिकली तब तक करो जब तक कि वो भूल ना जाओ कि कभी डर भी लगता था, ये जो वर्ड रहता है डर, उसको भी हमने अपनी लाइफ से हटा देने की जरूरत है। तब तक हमें हमेशा ट्राई करने की जरूरत है हाउ टू ट्रीट दिस फियर, हम इस फियर को किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, विथ क्यूरियोसिटी, उत्सुकता से,
ट्रस्ट काफी ज्यादा ट्विस्ट रह सकते हैं, करेज काफी ज्यादा रहेगी हमारे ऊपर, बहुत ही ज्यादा करेजियस हम लोग रहेंगे, मोटिवेटेड रहेंगे, उस उत्सुकता काफी ज्यादा रहेगी, और ये सारी जो चीजें हैं हम फन वे में इसको हैंडल करेंगे तो बहुत ही अच्छे से हम अपने डर को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर सकते हैं. इफ यू कैन लाफ, इफ यू कैन स्माइल, इफ यू आर मोटिवेटेड, देन यू कैन ट्रीट दिस फियर, तब आप इस स्फीयर को ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि आप उसको बहुत ही अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, आप उससे भाग नहीं रहे हैं. हम जितना ज्यादा किसी भी चीज को लेके डरेंगे, हम छोटे होते जाएंगे, हमारा डर बड़ा होते जाएगा. हम सोचेंगे कि हाँ हमें यहाँ पे नहीं जानी है, वो प्लेस जो है, अगर हम कहीं बाहर जाएंगे तो हो सकता है हमारे साथ कुछ भी ऐसा हो सकता है, कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. अगर हम घर पे भी रहेंगे, अगर हम कुछ नहीं करेंगे घर पे भी रहेंगे तो कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उससे बुरा और क्या होगा, राइट? सो ये जो डर है, ये जो फियर है, इसको हटा देने की जरूरत है. द नंबर वन फियर इन द वर्ल्ड इज फियर ऑफ फेलियर. हर किसी को डर लगता है कि हमें फेलियर होने से, कहीं अगर हम ये काम करें अगर हमें इसमें सक्सेस नहीं हुई तो हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, तो हम अगर फेल हो जाएंगे इस वजह से हम उनको करना ही छोड़ देते हैं, हम उस पे कुछ करते ही नहीं है. किल फियर विथ मैसिव एक्शन. हमें अपने फियर को मैसिव एक्शन से किल करने की जरूरत है. You have to take a action. जब तक आप action नहीं लेंगे तब तक जो है कोई भी चीजें solve नहीं होंगी. Kill fear with massive action. Massive action in the face of fear is the best way to kill your fear. आप इस तरह से massive action अगर लेते हैं, face करते हैं fear को, डर को, डर का सामना करते हैं, ये एक best way है, एक बहुत अच्छा तरीका है, जिसके वजह से हम अपने डर को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं. क्वेश्चन योर फियर. आप अपने फियर को, आप अपने डर को क्वेश्चन कीजिए कि अगर आपको इस चीज से डर लग रहा है, अगर हमें इस चीज से डर लग रहा है तो वो क्यों लग रहा है. कोई ना कोई तो उसके आंसर होंगे, कुछ ना कुछ तो उसका रीजन होगा डर लगने का. Unquestioned thoughts जो होते हैं आर योर बिगेस्ट एनिमी. ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जिसके वजह से, ठीक है, मान लीजिए कि अगर किसी पर्सन ने बोला कि हाँ हमें इस चीज से डर लगता है, हमने ये किया तो हमें सक्सेस नहीं मिल पाया, तो हम पहले से ही अपना जो प्रस्पेक्टिव है, अपना जो थॉट है, वो हमने बना के रख लिया है, इस पर्सन ने किया, इससे नहीं हो पाया, हम करेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, तो हम पहले से डर हमने रख के डर रख लिया है. लेकिन अपने डर को कभी भी हमने क्वेश्चन नहीं किया, ये जो हमें डर लग रहा है वो क्यों लग रहा है, अगर हम उसके बारे में सोचेंगे तो हम अपने डर को पहले ही ओवरकम कर लेंगे. मान लीजिए कि अगर हमें डर लग रहा है कि हमें बाहर जाके बहुत ही अच्छे से प्लान कहीं पे दिखाना है, एक एग्जांपल के तौर पे, राइट? तो अगर हमें प्लान दिखाना है, हमें डर लग रहा है कि हमें अगर ऐसा नहीं आए तो लोग हम पे हंसेंगे, या फिर पता नहीं लोग हम क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, इंसल्ट लगने लग जाएगा, तो ये जो चीजें हैं, आपने ये जो क्वेश्चन किया है तो आप इसका सल्यूशन भी करिए. सल्यूशन इस तरह से हमने करना है कि अगर हमें लग रहा है कि वहां पे जाके ऐसा हो सकता है, क्या क्या चीजें, हम एक लिस्ट बना लेंगे. अगर हम प्लान दिखा रहे हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या चीज हमें नहीं आता है तो हम उसको पहले सॉल्व कर लेंगे, क्या क्या वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसके हिसाब से हम वहां पे बहुत ही अच्छे से आंसर प्रिपेयर कर लेंगे, क्या हमें चीज नहीं आती हम उसको पहले सीख लेंगे. ये जो चीज है इसको बोलते हैं हम कि हम लोग अपने डर को ओवरकम कर रहे हैं, अपनी जो फियर है, अपना जो डर है, हमने उसको, हम उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं. ये जो हमारा बिगेस्ट एनिमी होता है, जब हमने इसको सॉल्व कर दिया है, बाद में हमें खुद लगेगा कि ये सारी जो चीजें बहुत ही ज्यादा इजी रहती थी बचपन में, जब हम लोग ABCD ये सारी चीजें सीखते थे, जब हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो जब बनाते थे, शुरू शुरू में हमें बहुत ज्यादा डर लगता था, कहीं ये जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच जो है कहीं इसमें कोई प्रॉब्लम हो गया तो, कहीं अगर हम लोग कुछ बचपन में सीख रहे हैं या फिर मैथ सीख रहे हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गया तो, लेकिन हमने उस पर बहुत ही अच्छे से फोकस किया, हमने सीखा, तब जाके हमें बाद में वो सारी चीजें इतनी ज्यादा अच्छी लगने लग गई कि अब तो हम बहुत ही अच्छा सा ऐसे भी लिख सकते हैं.
जिस तरह से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस तरह से हमने उन सारी चीजों को सॉर्ट आउट किया, फाइट किया, उस तरह से हम अपने डर को भी फाइट करेंगे तो बहुत ही अच्छे से ये मेंटेन रहेगी। प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा हम प्रिपेयर्ड रहेंगे, जितना ज्यादा हम ट्रेन रहेंगे, ठीक है, अभी जिससे डर लग रहा है, हमने काफी अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है, हमने ट्रेनिंग भी कर ली है, जिसकी वजह से आप कोई गुंजाइश ही नहीं है कि ऐसा कुछ भी क्वेश्चन रहेगा या कुछ भी रहेगा तो हम उसको आंसर नहीं कर सकते हैं। हम बहुत ही इजिली उसको आंसर भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से बी प्रिपेयर्ड, प्रिपरेशन एंड ट्रेनिंग विल मल्टीप्लाई योर कॉन्फिडेंस। ये आपके कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई करता है। आपका कॉन्फिडेंस जो है, शुरू शुरू में आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लिया, आपने बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर ली है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए, किसी किसी को डर लगता है कि स्टेज के सामने, बहुत लोगों के सामने थोड़ा सा बोलने में हेजिटेशन होता है। आपने ऑल्दो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन की है, ट्रेनिंग की है, आप गए, थोड़ा सा हेजिटेशन हो रहा है, आप फिर से जा रहे हैं, आप फिर से वही चीज रिपीटेडली कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, जिसके वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मल्टीपल होते जाएगा, और उसके वजह से आप बहुत ही अच्छे से, मतलब हर चीजों को फिर हैंडल करने लग जाएंगे। एक्शन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिफाई सम फियर दैट यू फेस एंड किल इट टुडे यूजिंग एनी ऑफ द टेक्निक्स यू लर्न इन दिस। अगर इसमें से जो भी टेक्निक्स के बारे में यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, उसमें से कुछ भी चीजें जो है, हर एक चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं, हम बहुत ही अच्छे से इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बिकॉज ऑल ऑफ दिस फियर, ये सारे जो फियर है, डर जो है, पीपल डू नॉट इवन ट्राई टू स्टार्ट, वो लोग कोशिश ही नहीं करते हैं कि उनको स्टार्ट करना है, अपने फियर को जो है ओवरकम करना है। स्टार्ट डेली, हमें डेली मैसिव एक्शन लेने की जरूरत है, जिसके वजह से, अगर हम कोई बोलते हैं ना कि हम लोग कंसिस्टेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ेंगे, बर्निंग मिडनाइट ऑयल एंड स्टडिंग, सो हो सकता है वहां पे काफी ज्यादा 50-50 का चांसेस हो जाएगा। लेकिन अगर हम डेली डेली ही पढ़ेंगे, डेली वर्क करेंगे, तो हमें ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगी। इस तरह से हम लोग अगर अपना जो जो भी हमने गोल रखा है, जो भी हमारे सपने हैं, हम बोलते हैं ना कि हमारा सपना है कि हम लोग आने वाले 1 सालों में अपना खुद का एक और प्रॉपर्टी हम लोग रख ले, परचे खरीद सके, आने वाले कुछ सालों में हम लोग अपना एक और घर खरीद सके, एक और कार खरीद सके, बहुत सारे उनके अपने अपने ड्रीम होते हैं कि हम लोग वर्ल्ड टूर कर सके। हम लोग जो पीपल है, द नीडी पीपल, जिसको रिक्वायरमेंट है, हम लोग उनको एक एम्प्लॉयमेंट का सोर्स प्रोवाइड कर सके, लेकिन उसके लिए पहले हमें प्रिपेयर्ड होना होगा, हमें उतना वेल्दी होना होगा, जिसके वजह से हम दूसरों को ये सारी चीजें प्रिफर कर सके। सो उसके लिए हमें डेली डेली खुद में एक्शन करने की जरूरत है। डेली हम खुद कुछ भी चीजें स्टार्ट नहीं करेंगे, कल से करेंगे सोचते हुए, तो वो कल कभी नहीं आना है। और अगर हमारा ये रहेगा कि ये हमारा सपना है कि हमारे पास ये सारी चीजें है, जिस दिन वो आपका सिर्फ सपना रहेगा तो वो सिर्फ सपना ही बन के रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। आपको अपने ड्रीम को, अपने सपनों को गोल में कन्वर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि गोल रहेगा तो आप हमेशा अचीव करेंगे। आपको अपने सपनों को टास्क में कन्वर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि टास्क रहेगा तो आप उसको कंप्लीट करेंगे। सो आपने ये सारी चीजों को अपने डेली रूटीन जो है, डेली डेली हमें जो मैसिव एक्शन है वो स्टार्ट करना है। पुश योरसेल्फ, अगर लगता है कि ये हमसे नहीं हो पा रहा है, थोड़ा दिक्कतें आ रही हैं, डू नॉट वरी, आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपने पुश करना है, डेली उसको कंसिस्टेंसी रखनी है, स्टार्ट करना है। नेक्स्ट डे बी मोटिवेटेड, ऐसा रहता है ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि आपने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, एक दिन एक्सरसाइज किया, 2 दिन एक्सरसाइज किया, तीसरे दिन पूरा बॉडी पेन करने लग जाता है, अगर जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो। अगर रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तीसरे दिन चौथे दिन बहुत ज्यादा बॉडी जो है वो पेन करने लग जाता है, मसल क्रैम्प्स होने लग जाते हैं। उस तरह से हमारा लाइफ भी है, अगर हम लोग डेली डेली एक्शन कर रहे हैं, एक दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन लगता है कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, बस
आपको अपने ट्रैक पे रहना है, कभी भी आप साइड ट्रैक मत होइए। द पर्सन हु इज एडवाइजिंग यू द राइट ट्रैक एंड इफ ही इज नॉट इन अ राइट ट्रैक, अगर वो पर्सन खुद राइट ट्रैक पे नहीं है और आपको राइट ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रहे हैं, सो स्टे अवे, थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस मेंटेन करिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज अगर हमें पता है कि हमारे लिए क्या सही है, हमें पता है कि ये चीजें अगर हम करेंगे तो हमें सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी, अगर हम बहुत क्लियर है, तो हमें उसके लिए कभी भी फिर पीछे नहीं हटना है, साइड ट्रैक नहीं होना है। स्टार्ट खुद से हमेशा अपने डेज को स्टार्ट करना है, स्टार्ट योर डे विद अ न्यू थिंग। आप अपने हर दिन को एक नए दिन के साथ शुरुआत करिए बहुत ही अच्छे से। यू हैव टू नथिंग टू लूज, कुछ भी नहीं है लूज करने को। अगर हम ये चीज कर रहे हैं तो क्या लूज करेंगे हम? अगर हम इसको बहुत ही अच्छे से ओवरकम कर लेते हैं फियर को, तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। स्टार्ट दीज थिंग्स, फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। ये जो है फेलियर जो है ये सबसे पहला सीढ़ी है। अगर आप कोई भी चीज कर रहे हैं वहां पे फेलियर मिल गया तो विच मीन्स आप सक्सेस की सबसे पहली सीढ़ी पे चढ़ चुके हैं। ट्राई कीजिए, हो सकता है कि हमें फेलियर मिले, क्योंकि हम लोग उस जगह पे एकदम न्यू है, हमें नहीं पता, तो हो सकता है हम ट्राई करेंगे हम फेल हो जाए, फिर से ट्राई करना है, हो सकता है कि हम फिर से फेल हो जाए। ट्राई वंस मोर, फिर से हमें कोशिश करनी है, हो सकता है कि उस टाइम भी हम लोगों को अचीवमेंट ना मिल पाए। ट्राई दिस वन, हो सकता है कि फिर से हमें मतलब निराशा ही मिले। नाउ यू फेल्ट बैड बट डोंट वरी, हो सकता है कि आपको डेफिनेटली बुरा तो लगेगा, हर किसी को लगेगा, लेकिन हमें कोशिश कभी नहीं छोड़नी है। नाउ यू वॉन्ट टू गिव अप, हो सकता है ऐसा रहता है कि हमें अब ऐसा लगता है कि अब हम छोड़ दें, हमें तो इससे कुछ मिल ही नहीं रहा है। डू नॉट स्टॉप दीज थिंग्स, कभी भी आप उनको स्टॉप मत करिए। हो सकता है कि लोग हंसेंगे भी। हमने एक एक स्टोरी के बारे में डिस्कस किया था, आई थिंक बहुत पहले, द स्टोरी ऑफ अ चाइनीज बैम्बू ट्री, राइट? उसमें भी कुछ ऐसा ही स्टोरी था, लोग बहुत हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, टॉन्ट करते थे कि क्या मतलब ये क्यों कर रहे हैं, इसमें तो तुमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, कुछ भी ऐसा है। डू नॉट वरी, वो सारी चीजों को आप साइड कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए। जो पीपल जो है वो हंस रहे हैं, टॉन्ट कर रहे हैं, ट्राई योरसेल्फ। अगर फिर से लगता है कि अगर आपको उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, थोड़ा सा ट्राई करेंगे, डेफिनेटली ये जो चीजें हैं ना, अब ऐसा लगता है कि अब हमने छोड़ देनी है और कुछ हमसे हो ही नहीं रहा है। सो सडनली हमें ऐसा लगेगा कि ये मनी का वेस्टेज है, टाइम का वेस्टेज है, हमने फिर से ट्राई करने की जरूरत है, हमें उसमें से लिटिल सक्सेस जो है मिलेगी ही मिलेगी, होप रहेगा। एक छोटा सा बोलते ना, एक टाइनी सीड जो रहता है, एक प्लांट जो होता है, उसमें से हमें दिखने लग जाएगा कि हाँ हमें इसमें से फायदा बहुत ही अच्छे से मिलने लग गया है। फिर उसमें सडनली ऐसा हो सकता है कि उसमें फिर से हमें निराशा मिले, थोड़ा सा हमें सक्सेस मिले, फिर से उसमें हमें निराशा मिल जाए। डू नॉट वरी, हम लोगों को फिर से कोशिश करना है और इस बार डेफिनेटली यू बिलीव, एंड दिस टाइम यू कैन बिलीव दैट दोस फेलियर द स्टेज ऑफ योर सक्सेस। वो जो सारे जो सीढ़ी है, जो वो सारे सीढ़ियां जो है, स्टेज जो थे, वो आपका सक्सेस जर्नी था। लोगों को लगता है कि इसने बहुत अचीवमेंट कर लिया है, लोगों को लगता है कि अरे ये तो बहुत ईजी है, इसने इतने अच्छे से इतना सक्सेसफुल पर्सन बन गया है, लेकिन लोगों को ये नहीं दिखता है कि उस सक्सेसफुल पर्सन को बनने के लिए उस पर्सन ने कितना ज्यादा मेहनत किया है, कितना ज्यादा कोशिश किया है, कितना ज्यादा ट्राई हुए हैं और कितना ज्यादा फेल हुए हैं, वो लोगों को नहीं दिखता है। सो ये जो सारी जो चीजें है ना, हमें बार बार किसी को ये रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। लोग हमेशा आपका सक्सेस देखते हैं, सक्सेस जर्नी नहीं देखते हैं, जिसके वजह से हमें भी खामोशी से अपना बस सक्सेस करते जाना है, कोशिश करते जाना है। जब तक हमें सक्सेस ना मिले, फिर हम प्रूफ करके दिखा सकते हैं कि यस यू डिजर्व इट, राइट? हम ये डिजर्व करते हैं, इसलिए हमने ये पाया भी है। और इनके वजह से इजिली हम लोग बोले, नाउ यू कैन ट्राई,
आप ये ट्राई करेंगे तो आपको डेफिनेटली आपको ये फिर पता चलेगा कि आप जो चाहते थे, आपका जो सपना था कि आप ये बनना चाहते हैं, वो हमने बहुत ही अच्छे से वहां पे अचीव कर ली है। आज हम वहीं पे ही खड़े हैं जिसके वजह से हमने बहुत ही अच्छे से अपने फियर को वहां पे बहुत ही अच्छे से अचीव कर लिया है। द फियर इज सिंपली बिकॉज यू आर नॉट लिविंग विथ लाइफ, यू आर लिविंग इन योर माइंड। डर जो होता है इसका मतलब हम लोग सिंपली ये बोल सकते हैं कि आप जो है अपने लाइफ के साथ नहीं अच्छे से जी रहे हैं, आप अपने जो माइंड है, आप अपना दिमाग पे ही चल रहे हैं, आप अपने माइंड में ही जी रहे हैं, जिसके वजह से डर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है। फेस योर फियर, हमें अपने फियर को फेस करने की जरूरत है। वंस यू बिकम फियरलेस, लाइफ बिकम लिमिटलेस। अगर हम जिस दिन फियरलेस बन जाते हैं, हमारा लाइफ लिमिटलेस बन जाता है। फियर कीप्स यू अलाइव। कुछ कुछ जो जैसे कि फिजिकल फियर जो है, जिसके बारे में हमने यहाँ पे पहले डिस्कस किया था, ये हमें अलाइव रखने का भी काम करते हैं। कि मान लीजिए कि हमें पता है कि हमें यहाँ पे जाना है, तो हम लोग क्यों ना उसके लिए पहले से प्रिपेयर रहे। अगर हमें ड्राइविंग करना है, हमें कहीं पे जाना है, हमें गाड़ी चला के जानी है, तो उसके लिए पहले हम लोग ड्राइविंग करेंगे। तो जिस वजह से हम लोग इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहेंगे। यू माइट स्पेंड ईयर्स कन्विंसिंग योर सेल्फ दैट यू कांट टू समथिंग। आप बहुत टाइम ऐसा अपने माइंड को कन्विंस करते जा रहे हैं कि हाँ हमसे ये नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इस वजह से हमें काफी ज्यादा डर लग रही है। यू अचीव समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। हम क्यों ना कुछ ऐसी चीज अपने डर को हटा के करें जिसके वजह से हमें अपने आप पे नाज हो, प्राउड हो। एंड यू लर्न क्रूशियल लेसन अबाउट योर सेल्फ, जिसके वजह से हम क्रूशियल लेसन जो है, जिसके वजह से हम अपने डर को हासिल कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से उनको एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी लाइफ से, उनको हटा सकते हैं। फियर जो है सर्व करता है, हम लोग बोल बोल सकते है, फियर इज स्ट्रॉन्ग। डर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट यू आर स्ट्रॉन्गर। लेकिन आप उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो आप फियर को बहुत ही अच्छे से डिफीट कर सकते हैं। लिसन एंड पे अटेंशन टू योर फियर। आप अपने फियर के ऊपर अटेंशन कीजिए, उसको जानिए, सो यू कैन फाइंड ऑलमोस्ट रिवॉर्डिंग वेज टू ओवरकम देम। आप बहुत ही अच्छे से ओवरकम कर सकते हैं। That's why, जो फियर है, फियरलेस पीपल जो है वो ट्रीट करते हैं उनका फियर को, उनके डर को लाइक न्यू अपॉर्चुनिटीज के थ्रू, ताकि वो उनके लिए एक नया अपॉर्चुनिटी है जिसको वो ओवरकम कर लेंगे तो वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। दैट्स वाई द फर्स्ट स्टेप ऑफ बींग फियरलेस इज हैविंग द करेज टू रिकग्नाइज योर फियर, जिसके वजह से सबसे पहला जो सीढ़ी है उसको हासिल करने के लिए, उस पे चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा करेज चाहिए, जिसको हम बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने फियर को ओवरकम कर सकते हैं। ईच टाइम, बहुत टाइम ऐसा हो सकता है यू सक्सेसफुली ओवरकम वन ऑफ योर फियर, मेक श्योर यू रिटेन योर कन्विक्शन। आप बहुत ही अच्छे से अपने कन्विक्शन को रिटेन कर सकते हैं। देयर इज नो फियर दैट कांट बी कॉन्कर्ड। यहाँ पे कोई भी, इस दुनिया में कोई भी डर ऐसा नहीं है जिसको ऊपर हम लोग जिसको हम कॉन्कर्ड नहीं कर सकते, जिसके ऊपर हम जीत हासिल नहीं कर सकते हैं। हम हर एक डर के ऊपर बहुत ही अच्छे से जीत हासिल कर सकते हैं। शर्त ये है कि हमें वो मैसिव डेली एक्शन जो है वो करना होगा। शर्त ये है कि हमें साइड ट्रैक नहीं होना होगा। शर्त ये है कि हमें कभी भी कंसिस्टेंसी को स्टॉप नहीं करना है। जब हमें एक दो बार फेलियर मिलने लग जाती है, लोग क्या करते हैं, अपने सपनों को ही चेंज कर देते हैं, अपने गोल को चेंज कर देते हैं। हाँ, हमें इसमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, हमने कुछ टाइम फेलियर मिल गया है, तो हमने अपने गोल को चेंज कर देना है। बिल्कुल भी नहीं, आप अपने गोल को चेंज मत करिए। आप अपने जो थिंग्स है, आप जो चीजें कर रहे हैं उसको चेंज करने की जरूरत है। क्या ऐसी चीजें हैं, अगर हम ये कर रहे हैं, हमें इसमें सक्सेस नहीं मिल पा रहा है, कुछ ना कुछ तो कमी होगी, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगा, इस वजह से हो रहा है, तो क्यों ना हम अपना काम करने के तरीके को चेंज करें, रादर देन चेंजिंग योर गोल। आप अपने गोल को नहीं, आप अपने काम करने के तरीकों को चेंज करिए, जिसके वजह से हम अपने बहुत ही अच्छे से गोल को अचीव कर सकते हैं। राइट,
हम बोलते हैं ना कि नो फी नो नो पेन नो गेन, जब तक कोई पेन नहीं होगा जब तब तक कोई गेन नहीं होगा। तो हमें अगर कुछ गेन करना है तो उसके लिए हमें बहुत कॉम्प्रोमाइजेस भी करने होंगे, बहुत ज्यादा हमें हार्डवर्क भी करना होगा, जिसके वजह से हम बहुत ही अच्छे से गेन कर सके, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन ओवरकम योर फियर। So thank you so much from my side and thank you so much for giving us a time. अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा, आप जरूर चैट बॉक्स में यहाँ पे आप अपने रिव्यूज लिख सकते हैं, आप अपने फीडबैक लिख सकते हैं, सो दैट आई कैन नो। एंड डेफिनेटली आज के बाद से, ये जो हमारे आज हमने जो दो तरीके के डर के बारे में यहाँ पे हमने डिस्कस किया, साइकोलॉजिकल फियर और फिजिकल फियर। फिजिकल फियर जो है ये हमारे लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके वजह से हम पहले से प्लान कर ले, पहले से एक्शन ले ले, तो हमें आगे चल के कोई फिर प्रॉब्लम ही नहीं होगा, क्योंकि हमने पहले से प्रिपरेशन करके रखी है। साइकोलॉजिकल फियर है, उसके ऊपर हमें ओवरकम करना है। हम अपने माइंड को जिस तरह से रख रहे हैं, उस तरह से हमारा माइंड हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है। जितना डरेंगे वो डर और बड़ा होते जाएगा, तो क्यों ना हम डर को ही ओवरकम कर ले, ताकि हम वो डर ही हमसे छोटा हो जाए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड टू नो दैट यू लाइक द वेबिनार। एंड क्योंकि ये फेसबुक लाइव है, आप लोग जरूर अपने जो फ्रेंड्स है, टीम मेंबर्स है, आप उनको शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस अ ग्रेट टाइम। रॉक योर डे, बी एनर्जेटिक, बी पॉजिटिव, बी कंसिस्टेंस, डू नॉट साइड ट्रैक। आप कभी भी साइड ट्रैक मत होइए, आप अपने ट्रैक पे ही रहिए, फोकस करिए, सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। साइकोलॉजिकल फेयर, फिजिकल फेयर, इस सबको ओवरकम करने की जरूरत है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।